नहीं, तुम कहाँ थे? इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जी वो तबीयत खराब थी मेरी। साबिर चाचा ने बताया तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब काफी बेहतर हूँ। आप बताएं आप कैसी हैं? यूनिवर्सिटी जा रही हैं? बाबा ने मेरे घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। मेरा भाज के साथ रिश्ता तय कर दिया और अगले 2 दिन के अंदर अंदर मेरा निकाह कर देंगे। क्या भाज के साथ निकाह? आप भाज के साथ शादी नहीं करेंगी? आप फौरन इनकार कर दे। नहीं कर सकती इनकार, बाबा ने सब कुछ तय कर दिया। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें अंदाजा नहीं है कि वहाज एक नंबर का धोखेबाज, झूठा और मक्कार इंसान है। आप परेशान मत हो, मैं असन साहब से बात करता हूँ। वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब बात करने का वक्त नहीं रहा है जहीन। जब बाबा मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है तो वो तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। नहीं, आप ऐसी कोई हिमाकत नहीं करेंगे। मैं कल खुद जाकर एहसन साहब से बात करूंगा, चाहे वो मुझे जो कुछ भी कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं आपकी जिंदगी बचाने की खातिर अपनी जॉब भी खतरे में डाल दूंगा, मगर आपने इस बार कोई हिमाकत नहीं करी। समझ रही है ना मेरी बात? एहसन साहब को अंदाजा नहीं है कि वो अपनी बेटी के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। काश मैं शादी रुकवा सकता। ऐसा क्या करूंगा यार, मैं ऐसा क्या करूं? सामने को मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।